नमस्ते भाइयों बहनों, आज हम कर रहे हैं वेब सीरीज द फैमिली मैन का रिव्यू, जो हम देख लिए हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। काहे कि देख तो हम पहले ही ली थी, फिर नवरात्र शुरू हो गए, हम बिजी हो गए तो रिव्यू नहीं कर पाए, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो बता दें, हमें मनोज बाजपेयी भैया का जो है वेब सीरीज की दुनिया में इंतजार था और हम सोच रहे थे कब वो आएंगे। तो पहली चीज़ तो भैया आपको बता दें कि आपने बहुत बढ़िया वेब सीरीज जो है चुना है एंट्री करने के लिए, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरे आशीर्वाद के पात्र हैं इस वेब सीरीज के लेखक राज और डीके। तो राज और डीके आप दोनों को भी बहुत आशीर्वाद, हमको बहुत जो है मज़ा आया ये सीरीज देखने में। तो अब थोड़ा कहानी के बारे में आपको बता देते हैं। मनोज भैया के किरदार का नाम है श्रीकांत, और श्रीकांत की हालत जो है काफ़ी दयनीय है। काहे कि बीवी उनसे दिन भर किटकिट करती है, उनके दो बच्चे हैं, सुबह उठ के उनके पांव तक नहीं छूते हैं, और तो और चाय की टपरी पे चाय पीने जाते हैं, वहाँ पर भी पड़ोसी अड़ोसी इनको आके बातें सुना देते हैं। पर किसी को ये नहीं पता है राजा कि जो श्रीकांत है वो इंटेलिजेंस के बहुत बड़ के एजेंट हैं, और देश पे हमला होने से पहले उसको रोकना इनका जिम्मेवारी है। तो ये बहुत बढ़िया किरदार है। दूसरी चीज़ हम बता दें, हम आज तक जितना भी ये पिक्चर देखे हैं जेम्स बांड वगैरह, उसमें जो है एजेंट लोगों के पास बड़का गाड़ी होता है, सुंदर लड़की होता है, पर मनोज भैया के साथ ऐसा नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं वो सारी मिडिल क्लास टाइप की हैं। उनका लोन पास नहीं हो रहा, उनका बीपी बढ़ा रहता है, और सिगरेट पीने मना किए डॉक्टर, और जो है गाड़ी बदलने पैसा नहीं है, तो उनका बिल्कुल मिडिल क्लास गरीबों वाला समस्या जो है। तो वो देख के हमको बहुत मज़ा आया। दूसरा, इस सीरीज में एक गलती हम जो है पकड़ लिए हैं। काहे कि मनोज भैया की पत्नी बनी है प्रिया मणि, जो कि साउथ में बहुत बड़की हीरोइनी है, तो उनका किरदार ऐसा है कि वो अपना करियर में कुछ करना चाहती हैं, और मनोज भैया तो गए हैं मिशन पे कश्मीर, हाँ, और ये जो औरत है ये दोनों बच्चों को अकेला घर में छोड़ के लोनावला चली जाती है, वो भी पराए मर्द के साथ। तो ऐसा नहीं होता है रानी, काहे कि माँ का जिम्मेवारी होता है, अब पति घर पे नहीं तब तो रुको घर पे। तो हमको ये देख के थोड़ा खराब लगा, और पीछे कुछ ऊंच नीच हो जाता तो वो बच्चा मुंह में अपना बंदूक लगा लिया था, कल को किसको जिम्मेवार ठहराते। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पराए मर्द की भूमिका में है शरद केलकर, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हमको पहले से वो बहुत पसंद है, सात फेरे उनका सीरियल हम देखा करते थे। और बेस्ट फ्रेंड बने हैं मनोज भैया के सारे भाषमी, तो हम तो घबरा रही थी, काहे कि वेब सीरीज में अगर हीरो का बेस्ट फ्रेंड होता है तो सबसे पहले वो ही मर जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ, सारे बभी जिंदा हैं, तो हमको ये देख के बहुत खुशी हुई है। थोड़ा डिफरेंट लिखा है, ठीक है। और इस वेब सीरीज में है गुल पनाग भी, एक छोटे रोल में है, मनोज भैया की एक्स गर्लफ्रेंड रहीं, बहुत सुंदर लग रही, और कश्मीरी में बहुत बढ़िया से उन्होंने भाषण वासन भी दिया, हमको बहुत बढ़िया लगा। एक गलती जो है कश्मीर के मिशन का हम पकड़ लाए हैं, काहे कि मनोज भैया कह रहे पूरा कश्मीरी कपड़ा पहन के कि हमारे गाल तो जो है कश्मीरी सेब की तरह लाल है। भैया ऐसा नहीं होता है, हमको पता है आप मजाक कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों हमको जो है फैमिली मैन एकदम बढ़िया लगा, और हम तो दोबारा देखने वाली हैं, तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा पंडित जी शंख बजा रहे हैं, पूजा का टाइम हो गया, चलते हैं।